उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी में गंगा स्वच्छता के तमाम दावे महज कागजी साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि तंबा खाड़ी सुरंग के मुहाने पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और दूसरी ओर गंगा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के जरिए गंगा के स्वच्छता के बारे में कहा जा रहा है। गंगा तटों और कस्बों से गंदगी नदी में डाली जा रही है। तंबा खाड़ी सुरंग में डाला गया कूड़ा भी नदी में प्रभावित हो रहा है। और जबकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां गंगा दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह गंगा भागीरथी में नालों और सीवर की गंदगी प्रवाहित हो रही है, नमामि गंगे के तहत हालांकि गंगा स्वच्छता के दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। क्योंकि जो नगर पालिका हमारी उत्तरकाशी बाड़ाट उत्तरकाशी है, ये करीबन 40,000 की आबादी है और जब यात्रा शुरू होती है तो फ्लोटिंग आबादी इसकी बढ़ के 60 और 70 हज़ार चली जाती है। तो जो नित्य का जो कूड़ा है उसके निस्तारण के लिए सही में यहाँ पे जो नगर पालिका प्रशासन है उसका कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, उसको सेग्रीगेशन की व्यवस्था नहीं है, कूड़ा डंपिंग यहाँ पे है नहीं है। तो नगर पालिका की एक नैतिक जिम्मेदारी है वो कूड़े के निस्तारण के लिए कोई समुचित व्यवस्था करे और सरकार से बात करे।